फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलूओं को अच्छी तरह से धोकर छील लेंगे। अब इन छिले हुए आलूओं को स्लाइस में काटकर इन्हें लंबा लंबा इस तरह से काट लेंगे। कटे हुए आलू के स्लाइस को 4 से 5 बार अच्छी तरह धोकर इसमें से सारा पानी निकालकर रख लेंगे। आलू में कॉर्नफ्लोर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे क्लीन रैप से कवर कर फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। लगभग 2 घंटे हो गए हैं, आलू के स्लाइस अच्छी तरह सेट हो गए हैं। तेल को मीडियम गर्म कर इसमें आलू के स्लाइस डालकर इन्हें धीमी आंच पर तलेंगे। अगर आप इस रेसिपी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप इसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 1 से 2 मिनट तल लेने के बाद इन्हें तेल में से निकालकर टिश्यू पेपर के ऊपर फैलाकर थोड़ी देर के बाद इन्हें तलने के लिए दोबारा फिर से हम तेल में डाल देंगे। धीमी आंच पर इन्हें हल्का सुनहरा होने तक तल लेंगे। इनका कलर हल्का सुनहरा हो गया है, अब इन्हें हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, चाट मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्रेंच फ्राइज सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।